दोस्तों कभी भी आप लोगों को ऐसे सांप दिखे तो इनसे दूरी बनाए। काला सांप जो होता है वो जहरीला होता है। बहुत ही शानदार और अद्भुत नजारा है। मरे डांगर दिल्ली में बैठा है। ब्लैक कोबरा दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से जेके नूरानी यूट्यूब चैनल और जेके नूरानी फेसबुक पर। आज का स्नेक रेस्क्यू कॉल श्योपुर जिले के गुरनावदा से आया है, जहां पर मॉर्निंग का समय है और इस समय एक काला सांप दिखा है। सरदार जी ने देखा है, हम आइए इन्हीं से जान लेते हैं सांप कौन सा है और इन्हें कहाँ पर दिखा है। मेरा नाम गुरविंदर सिंह और ये ब्लैक कोबरा है। हमें तो ब्लैक कोबरा लग रहा है। अभी भाई साहब बताएं, यहाँ पुदीने के अंदर बैठा हुआ था हमारी वो कुतिया है लूसी, उसी ने देखा सुबह और भौंक रही थी। हमने फिर देखा आगे तो ब्लैक कोबरा है। यहाँ पे दीवार के तार में लंबा हो रहा था, इसी टैंकी के पास से वो यू टर्न लेके वापस पुदीने के अंदर चलेगा ठंडी जगह। तो चलिए दोस्तों आपसे बैठा होगा। चलिए दोस्तों निकालते हैं सांप को। जुड़े रहिएगा जेके नूरानी यूट्यूब चैनल पर और वीडियो को हो सके जितना लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि हम इसी तरह लोगों की मदद करते रहें और मेजबान जीवों को बचाते रहें। तो चलिए आइए हम निकालते हैं सांप। सुबह का टाइम है तो दोस्तों यहाँ पर पुदीने के पेड़ लगे हुए हैं, काफी ठंडाई है और इस जगह पर एक ये काला सांप बैठा हुआ है। इंडियन कोबरा है, इसे निकालते हैं और इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। काफी गुस्से में है सांप, ऐसा लगता है जैसे इसके इसको डराया गया हो। दोस्तों कभी भी आप लोगों को ऐसे सांप दिखे तो इनसे दूरी बनाए। काला सांप जो होता है वो जहरीला होता है। बहुत ही शानदार और अद्भुत नजारा है। ऐसा नजारा आप लोगों को बहुत ही कम देखने को मिलता हुआ। कितनी अच्छी तरह से ये बढ़िया ठंडाई में ये सांप आकर बैठा था। इस सांप को दोस्तों अपने भारत में कई नामों से जाना जाता है। इसे नाग कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इंडियन स्पेक्टल कोबरा और बिहार में इसे गेहूं के नाम से जानते हैं। गैस कम होता है ना, पूछ भी वही ले जाता है। कभी भी अगर अपन सांप को देख ले और उसकी पूछ दिख रही हो ਪੰਜਣਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੈ ਆਹੋ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਮਾਲਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪੰਜਣਾ ਆਇਆ ਫੇਰ ਤੇ
वो तो योर पूरा होगा अभी मैं खाना खाना खिलाएगा मुझे। ये अंदर खाते आ गए तेन दिखा बार बार रिंदा चलिया रिंदा दोस्तों कभी भी आप लोगों को अगर सांप दिखे जैसा भी सांप हो छोटा हो या बड़ा हो सांप को मारे नहीं बचाने का पूरा प्रयास करें ताकि हम ऐसे बेजुबान जीवों को पकड़ कर ले जाए और इन्हें जंगल में ले जाकर रिलीज कर दे। तीन महीने के अंदर तीसरा सांप ले गए पता नहीं इनसे प्यार है या हमारे से ज्यादा प्यार है आप लोगों से ज्यादा प्यार हो रहे हैं ब्लैक कोबरा ही आते हैं तीनों बार ब्लैक कोबरा था एक बार दूसरी पकड़े कई बार फोन करते हैं आधे घंटे में आ जाते हैं और ले जाते हैं इसको मारना हम भी नहीं जाते और ये भी कहते हैं मारे डांगा जो बन दमन दरबार फोन किया तो चलिए फ्रेंड्स इस सांप का कर लेते हैं पैक दोस्तों मिलेंगे एक और नई वीडियो में इसी तरह सांपों को बचाते हुए लोगों की मदद करते हुए। वीडियो को हो सके जितना शेयर कीजिएगा ताकि हम इसी तरह लोगों की मदद करते रहें और इसे आप जंगल में ले जाकर रिलीज करेंगे ताकि ये सांप अपनी बेहतर जिंदगी आसानी से जी सके। कई जगह पर लोग सांप को देखते हैं तो वो मार देते हैं। सांप अगर आप लोगों को दिखे तो कभी भी सांप को मारे नहीं, बचाने के लिए स्नेक रेस्क्यू कॉल कर सकते हो, स्क्रीन पर आपको नंबर नजर आ रहा है। कभी भी कोई सा भी समय अगर आप लोगों को सांप दिखे हमें सूचना जरूर दें।
और इस वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पर हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्योपुर जिले के गुरदाउदा में सरदार जी गुरविंदर सिंह के घर पर यह सांप घुसा हुआ था, तो इसे अब खुले वातावरण में जंगल में रिलीज कर देते हैं ताकि ये सांप अपनी बेहतर जिंदगी आसानी से जी सके। इसी तरह से हम बेजबान जीवों को बचाते हैं और इन्हें जंगल में रिलीज कर देते हैं। देखिए आज काफी बड़ा काला सांप है। दोस्तों, सांप बेवजह किसी को काटते नहीं है। आपके ऊपर कोई जब ऐसे पैर रख देता है तो सांप पलट कर काट लेता है। छोड़ देते हैं इसे, चला जाएगा। काफी बड़ा इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, हिंदी में नाग कहते हैं, भारतीय नाग। बहुत जहरीला सांप होता है ये। मिलेंगे एक और नई वीडियो में इसी तरह जीव जंतुओं को बचाते हुए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ऐसे सांपों से सावधान रहें, सुरक्षित रहें।